भागे ऐसे जैसे बेटा चल गई रेल, सपने सारे हुए फेल, प्यार मोहब्बत ये बस साला खेल, आई हैव ड्रॉप्ड आउट स्कूल एंड एंटर द जेल, सबको चाहिए जी ऐशो आराम, पर ना करना जी किसी को काम, पिछवाड़े के नीचे मंगती है कार, साइड में आइटम वो भी चार। मेरा नाम है नवाज, सुन के मेरी आवाज मच जाती खली वाली, बैरम बाग की अरवाली, बोले भाई तुम कड़क हो, ताड़क हो, बड़क हो, गड्ढे की सड़क और खिड़की की खड़क हो, बोलता जो होता वो सच सच, लाइफ में मची बहुत ज्यादा मच मच, भीड़ मार धक्का मुक्की चीर फाड़ सारे दुखी, मैं तेरा तू मेरा बंटा, ये है सपनों की नगरी, इसको कहते मुंबई क्या, मैं तेरा तू मेरा बंटा, ये है सपनों की नगरी, इसको कहते मुंबई व्हाट, मैं तेरा तू मेरा बंटा, सपनों की नगरी, इसको कहते मुंबई से, मैं तेरा तू मेरा बंटा, ये सपनों की नगरी, इसको कहते मुंबई क्या, सर झुका के चुप रहेगा, अपने रास्ते जाएगा, सारे काला कांडी करते हर कोई बजाएगा, सब सुनेंगे तेरी जब जोरों से तू चिल्लाएगा, आज अपन का टाइम खराब पर कल अपना टाइम आएगा। मुझसे बचेगा कभी तो मेरे हाथ में आएगा तू। किधर गया था तू? थप्पड़ काहे को मार तुम? किधर गया था तू? अरे कोचिंग में ही था ना। साले गेड़ा समझाए मेरे को? हैं? लाख रुपए की फीस भरी है तेरी क्लासेस के लिए और तू वहां स्टेज पर खड़ा होकर दो कोड़ी की तुकबंदी करता है। देखा मैंने तेरे को कैसे पांच जैसे कपड़े पहन रखे थे। उधरीज गली में भाड़ा छोड़ने गया था मैं। नहीं नहीं अब वो नहीं करेगा मैं। अब वो ये सब छोड़ दे। ये सब अरे अबू क्या है ये सब? ये अब मेरे पसीने की कमाई से ये चमकीले कपड़े खरीदता है तू? अभी काटता हूं इनको। इधर का कपड़े। अरे अब कुछ और ना यार, मेरे को तेवर दिखाता है। याद रखना अगर आखिरी बार बारहवीं पास नहीं किया ना तो रिक्शा चलाएगा तो रिक्शा, समझा? अब जा पढ़ाई कर, रात भर नालायक सिंगर बनने चला है।
शमशु का दांत आखिर मुझे तुस्तक ले आया। तो अपनी जिंदगी में कभी कुछ उखाड़े नहीं, अभी अपन कुछ करना चाहता है तो अपने को भी ऑटो वाले बनाना चाहते हैं। तो तू साइकिल वाला बनेगा। देखो हवा में बुड्ढी लटक रही है। अबू कौन सी बुड्ढी? अरे तुमको नहीं दिख रही क्या? अरे अबू देखो ना, वो हवा में लटक तो रही है। एक मिनट, क्या कर रहे तुम? देख रहा हूँ कि आजकल कौन सा नशा करने लगा है तू। अरे अबू कौन सा नशा? तो कौन सी बुड्ढी? देखो तो हवे में लटक तो रही है बच्चे के साइकिल पे। मैं लटक तो मैं रहा हूँ तेरे चक्कर में। तेरी पढ़ाई के लिए 3 लाख का लोन लिया है, बर्तन भांडे घिसता हूँ, दिन भर ऑटो चलाता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, और तू सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाता है। एक चमाट मारूंगा खींच के। चुपचाप बैठ, पढ़ाई का हाथ पर। बुढ़ी दिखती है इनको। अबे छोड़ ना रे यार, सुन ना, देख तू वीडियोस देख यार, देख घर पे तो ये बातें होती रहती हैं, देख क्या धड़ाधड़ व्यूज बढ़ रहे हैं, देख कितने लाइक्स आ रहे हैं। बंटाई मैं सच बोल रहा हूँ यार। अबे तूने सपना देखा होगा, उस बात को छोड़ ना। तू मैंने देखी थी हमें लटकती हुई, आंखों से देखी थी यार। भाई वो तेरा सपना होगा, तू वीडियो देख, देख कितने मजे लेकर देख रहे लोग, तू देख तो कितना मजा आ रहा है, देख देख ब्रो 18,000 लाइक आ गए भाई। और व्यूज तो देख, बहुत सही भाई, एक नंबर। तेरे भाई ने बनाई है यार, कैसे नहीं होते। बहुत सही यार। ये पॉज हो गया यार। बंटा वो कल रात वाली बुड्ढी हमें मरा लग रही है कोई। अबे तू पागल है क्या? कहाँ है बुड्ढी? अबे देखना वो लटक तो रही है बच्चे के साइकिल पे। अबे तेरा पागलपन है, चल मेरे को ये देखने दे। मैं तेरे को दिख नहीं रहा क्या? देखना यार। अबे तू परेशान मत कर। चल यार, मेरा फोन खराब हो गया, तुझे अपनी पड़ी है। देखना यार इमरान, पास आ रही है मैं वो। इमरान इमरान पास आ रही है। जो लड़का तुझे इसमें नजर आ रहा है ना, उसका नाम शमशु है, इसे तुझे बाहर लेके आना है, नहीं तो मैं तेरी जुबान हलक से निकाल दूंगी, और ये आंखें हैं ना, कटोरे से बाहर निकाल दूंगी। हाँ आज तो मैं तुझे पक्का जला दूंगा। आज तो तुझे जान दे दूंगा। अब्बू, 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 मुझे प्लीज मुझे मत जला। अब्बू, प्लीज मुझे मत जला। हक मौला, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, बुढ़ी शैतानी रूह को खींच के निकाल तू, दर्दे से अमाल तू।
आलम मुस्लात नहीं मुस्ताल फतेह। ये ले ये तावीज जिसमें है छिपकली चिमगादड़ जहरीले सांप और बिच्छू की राख जो तुझे बचाएगी हर पिशाच हर बुरी रूह से करेगी तेरी हिफाजत। ले नाना नजराना पेश कर बिना पैसे के ये मुसीबत नहीं टलेगी निकाल पैसा। अरे बाबा अपना छोक रहा है। अगर ये तावीज नहीं बांधा तो आने वाले जुम्मे की नमाज के बाद तुम्हारे नाम का फातिहा पढ़ा जाएगा। हेलो बाबा। हक मौला। अबे यार अगर तेरे अब्बू को पता चल गया कि तूने सारी फीस के पैसे खर्च कर दिए तो। अबे जान बची ना तो इसका डबल कमा के दूंगा। कल चौली में कंपटीशन है। चल बाबा अब तो मैं सेफ हूं ना। अल्लाह हिफाजत करेगा। सलाम मौला। बाबा का ताबीज है उनके पास। अभी वो दादी कुछ नहीं कर सकती। Put your hands up for नवाजो। मार्च का महीना सर से चले पसीना टीन की है मेरी खोली मुश्किल है इसमें जीना। अबू की है खुपड़ी गर्म क्योंकि मैं तो हूँ कमीना। मैं कमीना तू कमीना चल फंसाते हैं हसीना। पहले ही लाइफ में लफड़े बहुत हैं पढ़ाई पैसा प्रेशर और झगड़े बहुत हैं। ऊपर से एक भूतिया बुढ़िया ने फैलाया मुझे पर डर का कहर बहुत है। ये हवा में लटकती है ये आत्मा भटकती है। ये मोटी नाक गंदे दांत आंखों में खटकती है। कभी इधर कभी उधर जगह जगह मटकती है और सामने जो आती मेरी सांस भी अटकती है। पर अभी अपन को डर पे है काबिज। हाँ डर पे है अपने को काबिज। बच्ची अपने को डर पे है काबिज क्योंकि अपने पास है बाबा का ताबिज। छिपकली चमगादड़ या मरे हुए सांप की राख नहीं है इसमें। ये बर्तन मारने की राख है। इसके जादू से तुम उसे छुटकारा पाना चाहता था। अब गा के दिखा। हा गा गा। अब सुन तुम मेरे पीछे पीछे आ। जैसा मैं कहती हूं वैसे कर वरना जिंदगी भर तू गा नहीं पाएगा। मैं कह देती हूं गा नहीं पाएगा तू। Thank you.
वो देख, शमशु वहां खेल रहा है। उसे घर से बाहर निकालकर किसी सुनसान जगह पे ले आओ। पर तुम उसके साथ करेंगे क्या? वो तेरा काम नहीं है, समझा? जा। पर वो मेरे साथ आएगा कहीं तो? क्योंकि वो मेमना तेरा दीवाना है, समझा? अब जा, जा, जा। नवाज भैया, आप? तू जानता है मेरे को? हाँ जानता हूँ, आप गाना गाते हो ना? मेरा नाम है नवाज, सुन के मेरी आवाज। तू भी अच्छा गाता छोटे। मुझे आप जैसा गाना है। मेरा नाम है फैजू। फैजू? मेरा नाम है शमशु फैजू, मेरा दोस्त। आप आओ ना अंदर, मेरे साथ खेलो ना, मुझे गाना सिखाओ ना। तेरे को गाना सीखना है ना? हाँ। अपने काम करते हैं, अपन ना बाहर मैदान में जाके गाना सीखते हैं, तू अपने गले में दम भर, फिर बाहर जाके धमाल करते हैं। दोनों मिलके कमाल करते हैं। एक नंबर, चल। मम्मी पापा, मैं नवाज भैया के साथ जा रहा हूँ। हाँ। तेरे को मालूम क्या छोटे, रैप का कैसा सीन है? अपन ना किसी भी चीज पर रैप कर सकते हैं, जैसा खाना पीना, हंसना रोना गाना, किसी भी चीज पर रैप कर सकते हैं अपन। एबीसीडी पर भी रैप कर सकते हैं? एबीसीडी पर कर सकते ना, जैसा ए बी सी डी ई एफ जी, शमशु से प्यार करे उसकी अम्मी। नहीं नहीं, खेलती मेरे साथ मेरी अम्मी। तेरा तो राइमिंग भी फुल आड़े छोटे। चल तेरे को एक मस्त जगह लेके जाता है मैं, चल। देख क्या मस्त जगह है ना अपन दोनों। हाँ। हाँ? चल अभी तो अपने दोनों आंखें बंद कर और रैप स्टार्ट कर। ए बी सी डी ई एफ जी। नवाज भैया इसका हकीका बताओ ना। ठीक है? हाँ चुप हो जा, मैं चुप हो जा, सब ठीक है। थैंक यू नवाज भैया, आपने मुझे मेरी दादी से बचा लिया। दादी? तेरी दादी है? हाँ। तेरे को नुकसान काहे को पहुंचाना चाहती है?
मुझे नहीं पता, वो देखो। तेरे अम्मी अब्बू किधर है? वो तो अंदर है, आप चलो ना। अम्मी अब्बू, आपसे नवाज भैया मिलना है। इस बिद्दी में इतनी ताकत किधर से आई? ये खिलौने में किसका चेहरा है? आज भैया ये मेरे अब्बू हैं। अरे तो फिर मार क्यों रहा हूं? मैंने मार तो नहीं रहा हूं, मैं तुमके साथ खेल रहा हूं। आप भी मारो ना। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, आप अब्बू के साथ नहीं खेल रहे हो तो अम्मी के साथ खेलो। नहीं समझू। अम्मी के साथ तो खेल लो, अब अब्बू के साथ नहीं खेल रहे थे। खेलो ना, अरे खेलो ना। ये फिर अब ये अब्बू खिलौनों पे कैसे दिखाई दे रहे? इन्हें मैंने अपना खिलौना बना दिया है। अरे खेलो ना। भाग जा बेटा, बेटा भाग जा, नवाज बेटा भाग जाओ, बेटा भाग जाओ, नवाज बेटा भाग जा, वरना ये हमारी तरह तुम्हें भी खिलौना बना देगा। नवाज बेटा भाग जा। भाग जाओ, भाग जा बेटा। नहीं नहीं समझो, नहीं 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 समझो, समझ नहीं। कौन है तू? नहीं नहीं समझो, नहीं। नहीं नहीं समझो। नहीं 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 कोई है, मैंने कहा ना नवाज भैया, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं आपको खिलौना बना दूंगा और मैं आपको नहीं मेरे मम्मी पापा के साथ रख दूंगा।
सुनाई नहीं। लेसन चो है नवाज भैया, अब आप डरो मत, बिल्कुल मत, अब हम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मजा आया, मजा आया सबजों के साथ खेलने में। हाँ, हाँ। क्या रे, तुम दादी पोते का क्या सीन चालू है? तुम उसको पकड़ के उसका दांत निकालना चाहती हो और वो अपने माँ बाप को खिलौने में कैद करके उनसे खेलता है। ये चल क्या रहा है? वो मेरा पोता नहीं है, उसने मेरे पोते को वश में किया है। शमशु के अंदर फैजल नाम के बच्चे का भूत है। मेरा नाम है फैजू। फैजू? मेरा नाम है शमशु फैजू, मेरा दोस्त। हाँ, वो मेरे को बोला भी था कि उसका नाम फैजू है, पर उसने तुम्हारे पोते को वश में कैसे किया? शमशु मेरा पोता है, अकरम मेरा बेटा, साकिया मेरी बहू। मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अब इस दांत को गाड़ना है, कहाँ गाड़ेगा? दादी इधर गाड़े। अरे नहीं बेटा, ये कोई गड्ढा है? फिर उधर लकड़ी तो है। नहीं नहीं नहीं, वो पत्थर क्या? हाँ देख, जरा खोद के देख। हाँ शाबाश, दीजिए दादी। ये ले। ठीक है दादी, मैं गाड़ता हूँ। गाड़ दे। शाबाश, अच्छे तरीके से। दादी, दांत गाड़ने से क्या होता है? इससे दांतों का पेड़ उगेगा, उसमें से एक नया दांत उखाड़ कर अपने शमशु को लगा देंगे। क्या ठीक है ना? हाँ ठीक है, चल अब तो साइकिल चला। ठीक है दादी। शाबाश, ये साइकिल जो देख रहे हो ना तुम, मैंने उसे जन्मदिन पर दी थी।
सारा दिन वो इस साइकिल पे घूमता था। एक दिन फैजल आया। एक यतीम बच्चा। अपने माँ बाप से मिलने की आस में मर गया। उन बच्चों के दांत को लेकर उनके शरीर में घुस के उनके खिलौने के साथ खेलता है, यहां तक कि उनके माँ बाप और परिवार वालों को भी खिलौना ही समझता है। नवाज भैया, ये मेरे अब्बू हैं। मैं तो शमशु के साथ खेलने गई थी। अरे बेटा क्या कर रहा? दादी मजा आ रहा है ना? अरे बड़ा मजा आ रहा है, लगता मैं बच्चा बन गई हूँ। शमशु के अंदर फैजल की शैतान की रूह है। क्या कर रहा? अरे अरे धीरे धीरे। ये इंतकाल हुआ, मैं मर गई, लेकिन मेरी रूह भटकती रही। मैं अपने पोते और अपने खानदान को उस भूत से, उस शैतान से बचाना चाहती थी। तभी मैंने देखा मेरे शमशु का एक और दांत तेरे टायर में फंसा है। उसी के सहारे मैं तेरे पास आ गई। पर फैजल शमशु को छोड़ेगा कैसे? जब पूरे खानदान वाले मर जाएंगे, इसका दिल भर जाएगा, तब ये अपने मुंह से शमशु का दांत निकाल कर फेंकेगा। तब इसकी रूह शमशु का जिस्म छोड़ कर किसी दूसरे बच्चे की दांत की तलाश में निकल पड़ेगी। तो शमशु को बचाने का कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं है, एक तरीका है, मैं बताती हूँ। पर अभी आई प्रॉमिस यू, अभी तेरे पोते को मैं बचाएगा। आई प्रॉमिस दादी। लेकिन फैजल तो तुमसे गुस्सा हो गया है, तुझे देखते ही वो तुझ पे कब्जा कर लेगा। अरे दादी तुम टेंशन मत लो, अपने पास फुल टॉस आइडिया है, आई प्रॉमिस यू। और याद रहे, फैजल की सारी शैतानी ताकत उस घर तक ही कारगर है। फैजल,
फैजू, फैजू बाहर आ, ए फैजू, फैजू बाहर निकल। नवाज भैया आप? तू जानता है मेरे को? हाँ जानता हूँ। आप गाना गाते हो ना? मेरा नाम है नवाज, सुन के मेरी आवाज। कहानी का विलेन एक बच्चा है, खुद को समझे हीरो पर ये तो टुच्चा है। पला बड़ा जो यतीम खाने में, इसको डालना था जी पागल खाने में। नाम इस लड़के का फैजू, बच्चा नहीं ये तो पूरी शैतानी रू। इसको सारे इंसान लगते खिलौने, और उनके साथ करता ये काम घिनौने। ये बच्चों को सताता है, बड़ों को भी रुलाता है। ये जान ले के सबकी खुद को मासूम बताता है। फर्रे भी है, जल्लाद है, बनना चाहता औलाद है। वो कहर है, वो जहर है, सुबह शाम और दोपहर है। बट ये तो है जी एक नंबर का फट्टू। जैसे फट्टू होते भाड़े के टट्टू। इसकी बजाऊंगा मैं बैंड इतनी बुरी कि भूल जाएगा तू खेल और मत। आना फैजू, आ जा तू बाहर। तू है जो चाकू तो मैं भी कटार। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तू जानता है मैं कौन हूँ? फैजुल कुरैशी। तूने अभी मेरी ताकत नहीं देखी है। तू ये तो देख ले फैजल कुरैशी की तू खड़ा कहाँ है। इतना घर नहीं जा, तेरी हुकूमत चलेगी। अब तू परवरदिगार की खुले मैदान में चल। छोड़, चल। छोड़ मुझे। मेरा शमशु आएगा, मेरा शमशु आएगा। ये उन बच्चों के दांत है जो फैजल के शिकार हुए हैं। मेरा शमशु आएगा, मेरा शमशु आएगा। मैं इन दांतों से एक दायरा बनाऊंगी। मेरा शमशु आएगा, और उसमें फैजल को घसीट के लाऊंगी। मेरा शमशु आएगा, और शमशु का दांत उसके मुंह से उखाड़ लूंगी। फैजल को उसका जिस्म छोड़कर जाना ही होगा। मेरा शमशु आएगा, आहा, मेरा शमशु आएगा, मेरा शमशु आएगा, मेरा शमशु आएगा, मेरा शमशु आएगा। मेरा शमशु आएगा, मेरा शमशु आएगा, तू जाएगा, मेरा शमशु आएगा। मैं तेरा दांत निकालूंगी। शमशु बेटा, शमशु, 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 शमशु उठो, शमशु बेटा, शमशु बेटा, शमशु उठो, शमशु, 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 आंखें खोलो, शमशु बेटा,
शमशू। शमशू बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू। मेरा नाम है नवाज, सुन के मेरी आवाज मच जाती खाली वाली बैरम बाग की अलवाली। बोले भाई तुम कड़क हो, तड़क हो, भड़क हो, गड्ढे की सड़क और खिड़की की कड़क हो। बोलता जो होता वो सच सच, लाइफ में मची बहुत ज्यादा मच मच। चीर मारने का मुखी चीर फाड़ सारे दुखी।